त्योहार मंचासीन सभी अतिथियों को सामूहिक रूप से मैं सेवा जोहार करूंगी। दादा प्रेमचंद मरावी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। जैसा आप सब जानते हैं, दो तीन दिन पहले अभी बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही थी और आपके देश के सर्वोच्च पद पर आसीन आपकी आदिवासी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी और उसी दिन आपके मध्य प्रदेश में पैसा कानून जो है वो लागू हुआ है। तो आशा है आप सब पैसा कानून समझ गए होंगे। पैसा कानून समझ गए होंगे तो पैसा कानून आज तक आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे ना। मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में जब हसदेव जंगल की बात चल रही थी तो आप सब बात कर रहे थे कि आपके जंगल है, आपकी जमीनें हैं, आपका जल है और वो आपको हक मिलना चाहिए। अब सरकार ने जल जंगल और जमीन का हक आपको दे दिया, अब कौन सी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? पांचवी अनुसूची लागू हो जाएगी फिर कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? बात चल रही है पैसा कानून, जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही थी, पैसा कानून लागू कर दिया गया है। किस तरीके से लागू होगा, पीछे जो इसका कारण है, पैसा कानून जो लागू होने वाला है, जल जंगल जमीन का जो हक आप लोग को मिलने वाला है वो मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे का कारण या कुछ समझ पाए कि ये कैसे लागू हुआ, सरकार को एकदम से आप लोगों की याद कैसे आ गई? इतने साल से आप लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारे जल हमारे जंगल और हमारे जमीन हमें मिलने चाहिए। अचानक चुनाव के एक साल पहले, कुछ महीने पहले कहूंगी, एक साल तो नहीं बचा है चुनाव के लिए, कुछ महीने पहले सरकार को आपकी याद कैसे आ गया, पैसा कानून कैसे याद आ गया, उनको ये कैसे याद आ गया कि आप जो आदिवासी समाज है, जो गोंडियन समाज है, उसको उनका जो जल जंगल और जो जमीन है वो कैसे वापस किया जाए? आपको लगता है ये चंद दिनों या कुछ दिनों की बैठक हुई होगी उनकी, वहाँ जो मंत्रीगण उपस्थित रहे होंगे, जो मंत्रिमंडल जो उपस्थित रहे होंगे, उन्होंने निर्णय ले लिया होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो परिणाम है वो आपके गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का परिणाम है, वो दादा हीरा सिंह मरकाम का परिणाम है, वो दादा प्रेमचंद मरावी का परिणाम है, वो सुनील सिंह ताराम, वो मोतीरावन कंगाले जो दिन रात मेहनत करके आप जैसे लोगों को जगाने का काम करते हैं और जो आप लोग जाग जाते हैं वो सरकार बैठ के डर जाती है कि अगर ये जाग गई और इनका अगर जल जंगल और जमीन वापस नहीं दिया गया तो शायद ये अपनी जमीन से हमें बेदखल कर देंगे। ये आपका परिणाम है, आपकी मेहनत का परिणाम है, आपकी जागरूकता का परिणाम है ना। इतने साल से लोग कह रहे हैं गोंडवाना वालों ने क्या किया है, ये किया है गोंडवाना वालों ने कि दिल्ली में बैठी सरकार उनसे कांपती है, ये अगर ये जो नीचे बैठे लोग आदिवासी लोग जाग गए और जिस दिन इनका हक इन्होंने ले लिया तो इनकी जमीन से वो हमें बेदखल किस हद तक कर पाएंगे और करेंगे, ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हमारा समाज सभी समाजों को अपना भाई बहन मानता है, सर्व समाज को मानता है, सारे धर्मों को मानता है, वो कभी भी न हिंदू के खिलाफ है न मुसलमान के खिलाफ है, वो सिर्फ ये जो सारे हिंदू मुसलमान और जो भाई आदिवासी समाज है उनके साथ गलत करने वालों के खिलाफ है। सही बात है, यही है ना, हम वो गलत करने वालों के खिलाफ है। अगर कह रहे हैं अभी आप लोगों की बात चलती रहती है कि आदिवासी बेटी के साथ ये हो गया, आदिवासी बेटी के साथ वो हो गया, पूरे देश में भारत देश में यही बातें चल रही है, गलत तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। गलत करने वाला गलत है, वो किसी धर्म का जात का समाज का कभी नहीं होता है। तो आपको लड़ाई लड़नी है पूरे गोंडवाना समाज के लिए, आदिवासी समाज कभी भी किसी दूसरे धर्म का विरोध कभी नहीं करता है, नहीं करता। हम प्रकृति पूजक है, अगर हमारा कोई विरोध कर रहा है मतलब इस पूरे प्रकृति का विरोध कर रहा है और इस प्रकृति का विरोध करके इस प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई खड़ा हो पाया है, खड़ा हो पाया है कभी इस प्रकृति के विरुद्ध? तो कोई नहीं चल सकता ना। जैसा प्रकृति चाहेगी प्रकृति वैसे ही चलेगी और अगर हम उस प्रकृति के साथ चल रहे हैं तो मुझे लगता है आदिवासी समाज ये गोंडियन समाज प्रकृति से है और हमेशा रहेगा, रहेगा। तो फिर लोग कैसे विरोध कर रहे हैं, कह रहे गोंडवाना वालों ने क्या किया है? गोंडवाना का मतलब समझ लिया, गोंडवाना गठबंधन पार्टी। इस गोंडवाना भूमि में, इस गोंडवाना धरा में वो ब्राह्मण भाई भी होगा, वो बनिया भाई भी होगा, मुसलमान भाई भी होगा, हमने सबको इज्जत देना सीखा है और हमारा समाज हर समाज को सर्व समाज को लेके चलता है और सर्व समाज की इज्जत करता है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हो सकता है ये उनके दिल में ये दिमाग में ये डर हो कि आज इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है,
हमने आदिवासी समाज के साथ, गोंडियन समाज के साथ कुछ गलत कर दिया है, तो हो सकता है अगर इनकी सत्ता आ गई तो ये हमारे साथ गलत करें। बिल्कुल नहीं, हमें अकबर से, अकबर समझ रहे ना, रानी दुर्गावती पे उन्होंने जो आक्रमण करवाया था, अपनी जो सेनापति थे आसफ खान उनको भेजा हुआ था, हमें अकबर से डर नहीं है, अब डर है हमारे समाज के विभीषण से। और विभीषण कौन होता है, कौन है विभीषण? विभीषण वो जो हमारे समाज की नसों को कमजोर करेगा। ऐसे विभीषण से डर है ना, अकबर से डर नहीं है। अब मुसलमान भाई भी कहता है कि हम इन आदिवासियों के बिना कुछ नहीं है, वो सरकार भी कहती है इन आदिवासियों के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन डर कौन रहा है, जिनको पता है कि उन्होंने समाज के साथ गलत किया है, अगर ये समाज जाके आ तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2023 की तैयारी है, पैसा एक लागू किया गया है, आपको ग्राम सभा की सारी पावर दी गई है, कह रहे हैं कि सारे जो निर्णय होंगे वो आपकी ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा कैसी है? ग्राम सभा एक मुकदम वाली, ग्राम सभा एक पंचायत वाली। एक ग्राम सभा आएगी आपकी पैसा एक्ट के बाद, वो पता है क्या होगी, वो जो आपने पंच चुने, वो जो मुकदम है आपके पंचायत में, और वो जो सरपंच उसको छोड़कर एक नई समिति बनेगी। वो नई समिति के लोग होंगे, उसमें अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे। एक अलग से ग्राम सभा दे दी गई है आपके पास, अब तीन ग्राम सभा होंगे। इन तीन ग्राम सभाओं के जो प्रस्ताव होंगे, उनके जो मत होंगे, उनमें कितने मतभेद होंगे, ये समझ आ रहा है? हम खुश हो रहे हैं कि हमको जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया गया है। अब वो तीसरी समिति आएगी, तीसरी ग्राम सभा आएगी, हम तीनों ग्राम सभाएं एक दूसरे से लड़ेंगे और मर मिटेंगे कि हम सही है, हम सही है, हम सही है। अब सही कौन है? सरकार ने पैसा एक्ट लागू कर दिया, कह रहा है कि तुम जंगल को अपने हिसाब से रखो, जमीन को अपने हिसाब से रखो, जो खेती करना है वो करो, जो पेड़ लगाना है वो लगाओ, आपके जो जल है, आपके जो तालाब है, वहां पे मछली पालन करना है तो आप अपने तरीके से करिए। ये हमको नहीं आता था, हमको नहीं पता था कि हमारे जंगल में कौन से पेड़ होने चाहिए, कौन से हमारे लिए आवश्यक है। आदिवासी समाज कभी कच्चा पेड़ नहीं काटता है, सिर्फ वो मंडप जो करता है शादियों में, वो मंडप के लिए सिर्फ हम कुछ गिनी चुनी लकड़ियां होती है वो लेकर आते हैं, लकड़ियों की टहनियां ना, उसके अलावा और कुछ नहीं करता है वो। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से ही थे, आपने एक नई व्यवस्था ला दी है। अब सरकार अगर पैसा एक्ट लागू कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो किस तरीके से, उसका क्या परिणाम होगा, हमें कैसा लागू करना है? पांचवी अनुसूची अगर है तो वो किस तरीके से लागू होंगे? पांचवी अनुसूची का मतलब क्या है? आपकी ग्राम सभा खुद होगी, एक ग्राम सभा जो वो वाली थी जो आपकी ऑलरेडी पंचायत में थी, तीसरी ये वाली दे दी, अब ये फंस रहे हो। आपकी पांचवी अनुसूची लागू होना चाहिए तो हमारी वो ग्राम सभा क्या करेगी, और जो पैसा एक्ट वाला है ये ग्राम सभा क्या करेगी? इन ग्राम सभाओं का आपको भेद समझना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, नेंग सेंग और जो पुरखाओं की व्यवस्था है, क्या इसको खत्म करने के लिए तो कोई चाल नहीं चल रहा है? आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये तो नहीं खत्म हो जाएंगे। आपके पांचवी अनुसूची अगर कोई लागू करने की मांग कर रहा है, मैं कह रही हूँ अगर आप रीति रिवाज, संस्कृति, नेंग पुनेम और ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई बाहर से सरकार आएगी आपके क्षेत्रों में लागू करेगी, आपको रीति रिवाज के लिए सरकार पर निर्भर होना पड़ेगा, नहीं ना? आपको हवाल सुतिया पहनने के लिए सरकार बताएगी कि ये आपके गहने हैं, ये आपकी वेशभूषा है, आपको गोंडी आती है, अगर आपको गोंडी आती है तो वो बताएंगे आपको कि वो आपकी भाषा है? बिल्कुल नहीं, ये आपकी माँ है, और जिसके साथ आपने, जिसके गोद में जन्म लिया है, आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? वो किसी और की बताने की जरूरत नहीं ना कि ये आपकी माँ है, आप जानते हो ना आपकी माँ कौन है? गोंडियन संस्कृति अगर दुनिया में किसी संस्कृति की जननी है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये संस्कृति ही सबकी जननी है, और ये जननी को आपको जीवित रखना पड़ेगा, तब जाके आप लड़ाई कर सकते हो। सरकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सरकार खड़ा करिए कि आपको दोबारा किसी से लड़ने की आवश्यकता ना पड़े। इस दुनिया में एक बात बता दी, इस दुनिया में 47.5 करोड़ आदिवासी लोग हैं, 47.5 करोड़ लगभग, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट करिएगा, 47.5 करोड़ आदिवासी हैं। लेकिन वो आदिवासी जो हिंदुओं के नाम पे बोला जा रहा है, अभी वोट बैंक बढ़ाना है सरकार को, दूसरी जो पार्टियां हैं उनको वोट बैंक बढ़ाना है, तो वो क्या कह रही है कि अभी बिरसा मुंडा जी के एक पोस्ट देखा मैंने, उनको हिंदू बना दिया, उन्होंने हमको हिंदू बना दिया। आदिवासी हिंदू अगर हो रहे हैं तो भारत में क्यों हो रहे हैं? पूरी दुनिया में जब आदिवासी है तो वहां के लोग फिर आदिवासी क्यों है, वो हिंदू क्यों नहीं है? आपको क्योंकि वोट बैंक बढ़ाना है आपका, आपको वोट चाहिए, तो बीजेपी को भी याद आ रही है और
कांग्रेस को भी याद आ रही है, आ रही है। अगर विश्व आदिवासी दिवस होता है, विश्व मूल निवासी दिवस होता है, तो फिर ये लोग कहाँ रहते, क्यों नहीं मनाते हमारा विश्व मूल निवासी दिवस? मनाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप ही इस दुनिया के, इस देश के असली मालिक हो, तब क्यों नहीं बताते? बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पे याद किया जाता है, शंकर शाह रघुनाथ शाह याद आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो आपको साबित करना है कि आप हिंदू हो, आप ये मसले में ना पड़े कि आप आदिवासी हो और आपका अलग से वोट बैंक ना बन जाए। डर रहे ना, जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करने लगे हैं लोग कांग्रेस को छोड़कर, तो समझ जाइए आप वो ताकत है, आप वही ताकत है जिससे वो लोग डर रहे हैं, जिससे दूसरी पार्टियां डर रही है। और जब आप सत्ता में नहीं है तो आपकी बात हो रही, तो सोचिए सत्ता में आने के बाद इस देश का आप कितना खूबसूरती से ख्याल रखेंगे, रखेंगे रखेंगे ना। संस्कृति साहित्य की बात चलती है तो कहते हैं कि हमारे साहित्य कहीं लिखा हुआ नहीं है, कैसे लिखा हुआ रहेगा? तो जब हमारे गीत है, संगीत है, हमारे जो सुआ है, लहकी है, रीना है, कर्मा है, ददरिया है, वो तो जीवित है, वही तो असली साहित्य है ना। दादा प्रेम शाह मरावी दिन रात आप लोगों के सामने यही गीतों का पेश करते हैं, आपको संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये साहित्य जिंदा है और यही साहित्य आप लोगों के समाज का असलियत है, यही है। आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, साहित्य का मतलब किसी किताब में लिख जाना नहीं होता है, साहित्य का मतलब वो है कि जब आदिवासी समाज अपने पुरखों से वो व्यवस्था को लेकर चलता है, वो नेम को लेकर चलता है, और रीति रिवाज को लेकर चलता है, अपने गीत संगीतों को लेकर चलता है, सबसे बड़ा साहित्य वो है। ये आप सवाल देख रहे होंगे, मैं बार बार जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि जब साहित्य की मांग करते हैं आपका लिखा हुआ इतिहास नहीं है, ये है ना। इसमें आप सिक्कों को पलटा कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से सन में किस राजा ने हमारे देश में शासन किया था, किया था। और अंग्रेजों से मुझे याद है एक और बात की, किन किन राजाओं ने हमारे यहाँ शासन किया था, तो लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजों से, हमको दबाया कुचलाया गया है, हमको इस सरकार ने ये किया, हमारे मुगलों ने ये किया, अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज आए, हमारा कोई भी गोंडवाना साम्राज्य का कोई भी राजा कभी भी किसी भी शासन या जो हुकूमत रही है उसका गुलाम नहीं हुआ है। ये खुद कहती है अंग्रेज और संविधान कहता है। जब 1947 के बाद संविधान आया तो संविधान कहता है कि आपको अंग्रेजों के समय भी ना हुकूमत ने किसी ने आपको गुलाम बनाया था और ना अब बनाया जाएगा। वो है 5वीं अनुसूची कि आप जैसे थे आप वैसे ही राजाओं की जिंदगी जिएंगे, आप वैसे ही राजाओं की जिंदगी जिएंगे। तो आपको अब ये तय करना है कि आपको रीति रिवाज बचाने वाला विधायक चाहिए या फिर वो बताने वाला कि अगर ये पार्टी नहीं होती तो हम उस उच्च पद पर नहीं बैठे होते। अरे तो आप बनाओ ना राष्ट्रपति, आप बनाओ ना विधायक, किसने रोका है? आप ही वोट देते हैं, आपका ही मत होता है तब जाके कोई विधायक बनता है, बनता है ना। तो फिर आप क्यों चुन रहे हो? जो कह रहे हैं आपका मुसलमान भाई जो है आपका दुश्मन है, आपका ब्राह्मण दुश्मन है, आपका बनिया भाई दुश्मन है, क्यों दुश्मन है वो? अगर इस धरती पर इस विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक होगा, अगर वो आदिवासी विधायक है, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक है, तो क्या वो सिर्फ आदिवासी का विधायक होगा? वो पूरे क्षेत्र का विधायक होगा, वो बनिया भाई का भी विधायक होगा, ब्राह्मण भाई का भी विधायक होगा, और वो हर समाज का विधायक होगा। उनसे कहना, कोई ये कहे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की पार्टी है, तो उनको एक बात हमेशा बताए रखना कि गोंडों की पार्टी होती तो अब तक गोंडों की पार्टी होती तो अब तक कब का जीत गई होती? आप गोंडी लोग तो जिताते हो ना, आपके क्षेत्रों में विधायक जिताते हो ना, है ना, आप लोग वोट देते हैं ना, तब ना वो विधायक बनता है। तुमसे बताना कि हमारी लड़ाई जब गुणवाना की बात करने लगते हैं लोग, क्या है गुणवाना मतलब गुणवाना गणतंत्र पार्टी, आदिवासी तो सबको लेके चलते हैं, कितने प्यार से कहते हैं कि आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे भाई हो, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, है ना। तो फिर पार्टियों में कैसे बांटने लगते हैं, कैसे पार्टियों में बांटने लगते हैं जब गुणवाना की बात आ जाती है? गुणवाना की बात जब आती है तो फिर गोंड क्यों आता है, सिर्फ गोंड क्यों? सारे लोग हो ना, सारे लोग हो इसी गोंडवाना साम्राज्य के। लोगों को कहना कि यही गोंडवाना साम्राज्य राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का था, यही गोंडवाना साम्राज्य संग्राम शाह का था, अवंती बाई लोधी का यही साम्राज्य था, और जितने यहाँ पर लोग रहे होंगे, जो आपके पुरखा रहे होंगे, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो जो दो तीन पार्टी बनाकर आप जो हमें पार्टियों में बांट रहे हो, उनसे कहना कि अब हमें पार्टियों में नहीं बांट सकते। अगर एक तीर एक कमान है तो हम आदिवासी सारे एक समान होकर दिखाएंगे, दिखाएंगे, दिखाएंगे ना। अभी संस्कृति बच गई, संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ। मुझे पता है पैसा एक लागू हो गया, अब जल जंगल जमीन
छोड़ देंगे आप लोग, उसके बाद पांचवी अनुसूची चाहेंगे, रोड में आंदोलन करेंगे। पांचवी अनुसूची रोड में आंदोलन करने से आएगा क्या, लागू होगी क्या? आप जब जमीन पे अनुसूचियों को मांगेंगे लेकिन असलियत में आप जो संस्कृति रीति रिवाज उनको खत्म करते जाएंगे तो वो अनुसूची लागू होने से कोई मतलब नहीं। धर्म कोड की मांग करते हैं, कहते हैं अगर धर्म कोड हो जाएगा कॉलम आ जाएगा आपका अलग से गोंडी का, आपके धर्म की गोंडी लिखना आ जाएगा। आप कितने भी किताबों में लिख लो, किसी संविधान में लिखा जा सकता है कि आपका धर्म गोंडी है और आप जो है कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आप अपने आपको दिखाएंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे कि आप क्या हो? आप तो उनके जैसे ही हो गए, आपने पढ़ लिख लिया, आपने पूरी संस्कृति रीति रिवाज नए सब भूल गए, किस चीज की मांग करोगे? आपका समाज, आपकी संस्कृति और आपकी जो रीति रिवाज पुरखों की व्यवस्था है उसकी वजह से अलग जाना जाता है, उस अलग जाने जाने वाली जो आपकी पुरखोटी व्यवस्था है उसको बनाए रखना पड़ेगा ना। आप मंचों में भाषण दे के आप संस्कृति को जीवित नहीं रख सकते, जब आप पैंट शर्ट पहन के ऐसे मंचों में जब खड़े होते हैं ना, आप संस्कृति की बात नहीं कर सकते। संस्कृति वो है जब आप जिएंगे कि आपकी संस्कृति आप दिखाएंगे कि मैं जी रहा हूं, वो संस्कृति देखेगा कैसे खत्म होती है, फिर कभी खत्म नहीं हो सकती जब आप उसको जीवित रखेंगे। आप भाषण नहीं दे सकते कि आप पहनिए ये करिए वो करिए, आप धुतिया पहनकर पूजा पाठ करिए वैसा करिए, आप सात कलश जलाइए, सात कलश वाली व्यवस्था तो मुझे लगता है कि हमारे पुरखोटी व्यवस्था में है ही नहीं। मैंने हमेशा हमारे दादा परदादाओं को हमेशा वो छोटा सा दिया जलाते देखा है मिट्टी का, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। अभी वो व्यवस्था चल रही है हमारी देख सेख के, है ना, देख के व्यवस्था चल रही है कि हम सात कलश जला लेंगे और हमने उससे हमारे भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा है? हमने सुबह जो है शाम को जो है सुबह है भगवान के सामने दिया जला दिया। हम आदिवासी लोग हैं, हमारा 24 घंटा व्यस्त रहता है जीवन, काम करने वाला जीवन है, तो हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम सुबह शाम भगवान के सामने दिया जलाते रहे, है क्या हमारे पास टाइम इतना नहीं है ना। लेकिन अब देख देख के वो भी सीख रहे हैं। अभी एक और चीज सामने आ रही है कि लोग जैसा देख लिया वैसा करने लगे। अभी गोटल व्यवस्था होती थी हमारी, वो तो खत्म ही कर दिया, गोटल की जगह में कुछ और चालू कर दिया। आपको बैठना था, बच्चों को बिठाई, आपकी जो पुरखे हैं आप उनको बिठाई, आपके जो बुजुर्ग हैं उनको बिठाई, मुझे लगता है उनसे बड़ा किताब दुनिया में कोई नहीं है। और ये ज्ञान जो देंगे ना, यही आप लोगों की पुरखोटी व्यवस्था है, वो किसी किताब में नहीं मिलने वाली है। सही बात है, आप किसी किताब में ढूंढिएगा कि आपके पुरखों की व्यवस्था कहाँ है, तो आपके पुरखों के साथ चली जाएगी। अगर आप लोग वो पुरखों की व्यवस्था खुद सीखेंगे नहीं, समय है तो सीखिए, संस्कृति है उसे बचाइए, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके हक हक अधिकार आपके क्षेत्र में रखे हुए हैं, आपकी जमीन पर है, आप किसी से मांगेंगे तो सिर्फ भीख मिलेगी, सिर्फ भीख। मैं इसलिए कह रही हूँ भीख, क्योंकि हमारी जो आदत हो चुकी है अभी की, वो मांगने वाली हो गई है। हमारे लिए सरकार ये लागू कर ले, हमारे लिए सरकार वो लागू कर ले, हमको 5 किलो राशन दे दे, हमको मिट्टी का तेल दे दे, क्यों हमारे पैरों में उतनी जान नहीं बची है कि हम वो एक बोरा अनाज पैदा कर सके जो 5 किलो के भरोसे बैठे हुए हैं, बताए पर बैठे हैं। हमको लाचार कर रही है सरकार, हम लाचार होना चाहते हैं, वो इंसान पहले आपको दबाना चाहती है, हम दब रहे हैं। क्या आपको कहें कि हम क्या आपको राशन दे रहे हैं फ्री में, आप हमें वोट दीजिए ना, क्यों आपका बच्चा वो 5 किलो राशन के लिए अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो 5 किलो राशन के लिए फिर से लाइन लगाए? आप अपने बच्चों का क्या भविष्य चाह रहे हैं? आपके क्षेत्र में शिक्षा किस तरह की, किस स्तर की है शिक्षा, किस स्तर की, ये जरूरी है 5 किलो राशन मिले या ना मिले वहां लाइन लगाने से नहीं। आप स्कूलों में जाइए, आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था देखिए, वो शिक्षक आपके क्षेत्र में पढ़ाने लायक है या नहीं। अगर सरकार को चिंता होती कि आपके क्षेत्र में आपका बच्चा आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे तो वो क्या करती पता है? वहां बेहतर से बेहतर शिक्षक भेजता, क्यों नहीं भेजते? वो शिक्षक जो आपके क्षेत्र में आपके बच्चों को पढ़ाते हैं वो कभी आपके क्षेत्र के स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, वो अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है, होती ना। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तो देखनी है लेकिन रीति रिवाज परंपरा संस्कृति इन सबको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये बन गए तो शायद वो शिक्षा भी आपके किसी काम के लायक नहीं होगी। अभी सबसे ज्यादा कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीजों को, सही है क्या दादा लोग पूछो कि सही है क्या? तो कैसे खराब होने से बचाएंगे? आप ही लोग तो बचाएंगे ना, आप उनको समझाइए क्या है, आप उनको बताइए क्या है। आप बैठिए, जब गोटुल होती थी वहां आपको शिक्षा जो दी जाती थी वो समाज की दी जाती थी, स्कूल पहला हमारा वो होता था, वहां बैठ के सिखाया जाता था आपको जो हर
है, हल जो चलाते हैं नांगर वो कैसे बनाना है, सर में कंघी करने वाला जो बकई है वो कैसे बनाना है, सुपली में आपको अनाज छांटना है वो कैसे छांटना है, वो तो हमने खत्म कर दिया। और हम कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था मर रही है, हम कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति मर रही है, कुछ नहीं मर रहा है, अभी भी समय है। अगर आप चाहो तो आपकी संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकते हो, अभी मरी नहीं है, तो पुनर्जीवित तो क्या है, अभी सिर्फ जीवित कर दीजिए, है ना। और साहिर जब तक दादा प्रेम शाह मरावी, मुझे लगता है इस भारत देश में कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो ये कहते कि ये इस साहित्य से कोई बड़ा है। सही बात है, कोई साहित्य नहीं है। आप किताबें ढूंढकर आपको किताबों को पढ़ने के लिए भी आपको पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के लिए सिर्फ आपको तन और जो ये आपका मन है ना वो लेकर यहाँ बैठना होगा। और यही इन्हीं सब का जो परिणाम है, आज वो पैसा एक्ट जो लागू हुआ है वो है इन लोगों की मेहनत है और आप लोगों की जागरूकता का ये परिणाम है। मैं आप लोगों को इसके लिए बारंबार जोहार करूंगी, क्योंकि ऐसी जो कड़कड़ाती ठंड में जो यहाँ बैठ जाए ना, मुझे लगता है ये वो देश का मालिक है जो अब जाग रहा है। विधायक बनाए चाहे ना बनाए, राष्ट्रपति जरूर बनाएंगे, तो विधायक तो इनके लिए छोटी मोटी बात है क्या, बनाएंगे ना। अगली बार किसी और पार्टी के विधायक के पास जाके ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको ये दिलाइए, बल्कि आप वो विधायक बनाइए कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि हमारा ये काम करना है, वो खुद ब खुद करेंगे। मैं मनेरी पंचायत की सरपंच हूँ, दूसरे पंचायत के लोग मेरे नाम से काम करा लेते हैं। वहाँ के सरकारी कर्मचारी अगर ये कहते कि संगीता प्रेम शाह मरावी का कॉल आया है, तो ऐसा ना हो कि वो दूसरे पंचायत का काम कर दे तुरंत। तो ऐसा बनाओ, आपके बच्चों को बनाओ, विधायक ना बने कम से कम सरपंच बने, आपके पंचायत को बदले। और ये बदलाव जो लेकर आएंगी मातृ शक्तियां लेकर आती हैं। मैं मातृ शक्ति हूँ, मैं समझती हूँ इस बात को, पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं एक पंचायत बदलने की चाहत रखती हूँ और मैं पंचायत बदल सकती हूँ, तो इतनी सारी मातृ शक्तियां मिलके एक विधानसभा तो बदल सकती है ना, बदलेगी, बदलेगी कि नहीं। मैं आप सबको इसी आशा के साथ और विश्वास के साथ एक बार जोहार करते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता हैं और जो साहित्य जिन्हें मैं जीता जाता साहित्य कहती हूँ वो यहाँ पर विराजमान है, आप लोगों को और जानकारी देंगे। इसी बात के साथ आप सभी को सेवा जोहार, सेवा जोहार।